कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर है जहां पर रोजाना पैंथर आता है। पैंथर क्यों आता है वहां पर, उस मंदिर में रेगुलरली आने की क्या वजह है, यही सारी चीजें समझने के लिए हम इस वक्त जवाई डैम पर मौजूद हैं। तो लेपर्ड पाथ है ये पूरा एरिया जहां पे इस वक्त हम जा रहे हैं, और बीच में कहीं पे भी लेपर्ड हमको दिख सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ रही है ये आप देखिए। तो वहां पर हल्का सा मूवमेंट दिखाई दिया है लेपर्ड का, तो वापस रिवर्स करके देख रहे हैं गाड़ी को कि वहां पर अगर कुछ दिखाई दे जाए हमको, तो हो सकता है उसकी नजरें हम पर हो। हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नजरें कॉन्स्टेंटली हम पर होंगी। सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने वहां पर। इस बार तलाश एक ऐसी अद्भुत दुनिया की जिसमें इंसान है, जंगली और खूंखार जानवर है, लेकिन दोनों में दुश्मनी का नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल ये चमत्कार ही है, और ये चमत्कार करने वाला कोई और नहीं, खुद देवों के देव महादेव है। नमः शिवाय। एक पहाड़ है, पहाड़ के एक तरफ इंसानी बस्ती है तो दूसरी तरफ खतरनाक तेंदुओं का खुला साम्राज्य, और दोनों के बीच में है महादेव का एक पुराना मंदिर। कहते हैं युगों पहले महादेव ने यहां इंसान और जानवर के बीच मर्यादा की एक लकीर खींची थी, जिसका पालन आज भी किया जाता है। दोनों मंदिर तक आते हैं, कभी कभी एक साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर गलती से एक सामने आ गया तो दूसरा खुद रास्ता देता है। साल बीत गए, सदियां गुजर गईं, युग बदल गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में कोई दखल नहीं दिया। दावा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक हैं और इंसान महादेव के भक्त। रक्षक और भक्त का यह रिश्ता आज भी बरकरार है। तो चलते हैं पहाड़, गुफा, नदी और जंगल की उस अनदेखी दुनिया में जहां कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार हमारी राह देख रहा है। आधी हकीकत आधा फसाना। जंगल के खूंखार जानवर के सामने कोई इंसान आ जाए तो क्या होगा? जान बचाने के लिए इंसान को वहां से भागना पड़ेगा, लेकिन महादेव के उस धाम में ऐसा नहीं होता। वहां जंगली जानवरों और इंसानों का आमना सामना होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। जानवर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, खूंखार जंगली तेंदुए। दावा है कि धाम में ऐसा सदियों से हो रहा है क्योंकि वो तेंदुए मंदिर के रक्षक हैं और इंसान भगवान शिव के भक्त। लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं होता तो खुद आकर देख लीजिए। जंगल से निकलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर तेंदुए दिन में दो बार धाम में दर्शन करने आते हैं। वो रक्षक हैं और ऐसा करना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। एक तो शिवजी का मंदिर है, नीचे एक माता जी का मंदिर है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो इंसान जानवर है इस पहाड़ी के अंदर और एक तरफ इंसान रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाबा जी आ रहे हैं और लेपर्ड अगर बीच में बैठा हुआ है तो वो उनको साइड दे देगा, और मान लीजिए लेपर्ड अगर वो बाबा जी अगर बीच से निकल रहे हैं और लेपर्ड साइड में है तो वो उनको साइड दे देंगे। कभी कभी तो ये होता है कि सुबह आता हूँ मंदिर, तो मंदिर खुला रह जाता है, तो मंदिर के अंदर से मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, वो मंदिर से बाहर आता है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि भाई उसने मेरे सामने घुर्रा के देखना या कभी अटैक करना, ऐसा कभी नहीं होता।
चमत्कार का ये दावा आपको चारों खाने चित कर देगा। पहाड़ की बुलंदियों पर महादेव का एक धाम। इंसान तो इंसान, यहां जंगली और खूंखार जानवर भी दर्शन करने के लिए आते हैं, वो भी दिन में दो दो बार। इन सीढ़ियों पर तेंदुआ आता है। तेंदुआ यहां भी होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है। यानी एक छोटी सी पहाड़ी पर बने इस छोटे से मंदिर में रोजाना तेंदुए आते हैं। अब सवाल यह है कि तेंदुआ यानी लेपर्ड एक बड़ा शर्मीला, बड़ा इल्यूसिव जानवर होता है जो आसानी से नहीं दिखता। तो भाई इस पहाड़ी में, इस मंदिर पे रोजाना सुबह शाम तेंदुआ क्यों आता है, वो भी जंगल छोड़कर? अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम बाकियों की तरह इसको एक चमत्कार मान लेते, या फिर हम ये पता लगाने की कोशिश करते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो हमने दूसरा रास्ता चुना है। राजस्थान के जवाई बांध पर बनी इस छोटी सी पैरवा पहाड़ी और इसके मंदिर तक हम पहुंच चुके हैं और अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तेंदुए यहाँ पर क्यों आते हैं। दावा 800 साल पुराना है, लेकिन राज आज भी बरकरार है। वो तेंदुए कहां से आते हैं, क्यों आते हैं, एकदम से अपने तय वक्त पर ही कैसे आते हैं, उससे पहले या उसके बाद क्यों नहीं? न रिजर्व एरिया, न भरपूर भोजन, न पानी, चारों तरफ केवल पत्थर ही पत्थर। फिर तेंदुए ऐसे इलाके में कब से रहने लगे? मंदिर में तो प्रसाद चढ़ता है, तेंदुए तो मांसाहारी होते हैं, फिर कौन सी ताकत उन्हें मंदिर तक खींच लाती है? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो जंगली जानवरों को इंसानों पर हमले करने से रोकती है? ऐसे कई रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम राजस्थान के जवाई पहुंची। जवाई एक छोटा कस्बा है, लेकिन यहाँ की शिवधाम के रक्षक तेंदुए और भक्त इंसान की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया जिसे कहानी मानती है, जवाई के लोगों के लिए ये महादेव का चमत्कार है। ये कोई करिश्मा है, एक तरफ तो हिंसक जानवर है इस पहाड़ी के अंदर और एक तरफ ही इंसान रह रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है। और जहाँ तक है हमले की बात है, तो आज दिन तक किसी ने हमला नहीं किया। जैसे ये खेत है, खलिहान है, किसान यहाँ सो रहा है पास में, तो पास से जा रहा है, मूवमेंट हो रहे हैं। कभी भी ऐसी कोई नौबत नहीं है कि कभी हमला हुआ है किसानों के ऊपर या किसी के ऊपर। ठीक है, इनकी शिकार करने की प्रवृत्ति है तो वो शिकार तो करेगा ही। इंसान का शिकार नहीं किया, जानवरों का शिकार करता है जो उसकी नेचर में है। पेरवा की इस पहाड़ी पर महादेव का धाम है। कहते हैं पहाड़ के आसपास तेंदुओं की फौज रहती है, पहाड़ के दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती है। दावे के मुताबिक तेंदुए सुबह और शाम मंदिर में आते हैं, कई बार इंसानों से सामना भी होता है, भिड़ंत कभी नहीं होती। लोग इसे महादेव के उस धाम का चमत्कार मानते हैं जो पेरवा की पहाड़ी पर है। यही वो सीढ़ियां थीं जहां अक्सर तेंदुआ देखा जाता है। गांव वालों के मुताबिक वो तेंदुए महादेव के मंदिर के रक्षक हैं। दर्शन करने धाम में सुबह और शाम आते हैं, इसी वजह से सामने आने पर भी इंसानों पर हमला नहीं करते। हकीकत क्या है ये हमारी टीम को पता करना था। ये शिवधाम एक बड़ी चट्टान के नीचे था जिसे बाहर से मंदिर की शक्ल दे दी गई थी। गर्भगृह एक छोटी सी गुफानुमा जगह पर था। तो पैरवा के पहाड़ पर ये वो गुफा वाला मंदिर है, शिव मंदिर है, जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां हम सुनकर यहां पर आए हैं। मंदिर है, मंदिर पे आने वाले लेपर्ड्स हैं, और
अब इस मंदिर को ही देखिए कितना डिफरेंट है, मतलब आपने इस तरह के नेचुरल फॉर्मेशन से ये पूरा कर्व इस तरह का शेप बना हुआ है मंदिर के डोम जैसा। और यहाँ पर भी आप देखिए पूरी दीवारें पूरी छत जो है वो पहाड़ से ही बनी हुई है, कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई है, सब कुछ नेचुरली फॉर्म्ड है। मतलब जिस तरह से आकार दिया पानी ने हवा ने, उसी तरह का आकार पहाड़ का है और उसी से ये डोम बना, मंदिर नुमा डोम। यही वो धाम है जिसके रक्षक वो तेंदुए यहां आते रहते हैं, इंसानों से टकराते हैं फिर चुपचाप चले जाते हैं। मंदिर के पास ही एक तालाब है, जाहिर है इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया होगा, लेकिन पानी जरूर उन जंगली जानवरों के काम आता होगा। ये पानी तेंदुओं के आने का सबब हो सकता है। पानी तो नीचे भी होगा, फिर उन जानवरों को इतनी ऊंचाई पर आने की क्या जरूरत। फिर कहानी में एक नए पात्र की एंट्री होती है। महाराज साहब यहाँ हुआ करते थे, हाँ। नहाना जी उनका नाम था, हाँ। तो वो बेसिकली कहते हैं कि ही इज कन्वर्ट हिज बॉडी इन अ टाइगर, मतलब अपने शरीर को टाइगर में कन्वर्ट कर देते थे और उन्हीं की ब्लेसिंग से अभी तक यहाँ इतने लेपर्ड्स रह रहे हैं। तो वो अपने लेफ्ट हैंड में तांबे का कड़ा पहनते थे, कड़ा, और जब भी वो अपनी बॉडी को टाइगर में कन्वर्ट करते थे तब वो तांबे का कड़ा उनके जो फ्रंट वाला जो लेफ्ट लेग होता था उसमें वो दिखता। अच्छा, मतलब टाइगर के पैर में वो दिखाई देता था। कहानी तो दमदार है लेकिन इसमें दम नहीं है। अब छोड़िए इन बातों को, फिर से दावे के साथ चलते हैं जिसके मुताबिक तेंदुए यहां सुबह और शाम आते हैं। अभी दोपहर का वक्त है। हमें तलाश थी कुछ ऐसे सबूतों की जो ये साबित कर सकें कि इस जगह का नाता तेंदुए जैसे खूंखार जानवरों से है। पिछले करीबन दो घंटे से मैं जवाई की पहाड़ियों पर, पैरवा की पहाड़ियों पर घूम रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी भी यहाँ पर ये मांद बनी हुई है, इस तरह की जो मांद है उनको मैं देख सकूँ और ट्रेसेस तलाश सकूँ अगर मौजूद हो लेपर्ड के। और साथ ही साथ दुआ ये कर रहा हूँ कि किसी में भी लेपर्ड ना हो, क्योंकि ये लेपर्ड का रेस्टिंग टाइम है। क्योंकि अगर लेपर्ड हुआ और मैं इस तरह की किसी मांद में बाई चांस घुस गया तो फिर मेरे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि भाई जवाई के बारे में, ये पैरवा के बारे में जितनी भी हमने कहानियाँ सुनी हैं उनको प्रूव और डिसप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि लेपर्ड देख सकें मंदिर के पास। तभी हमें एक मांद नजर आई जिसे हमने इंटरनेट से मिली फुटेज में भी देखा था। इस जगह पर कुछ तेंदुए बैठे थे। ये जगह आप ध्यान में ले लीजिए, ये जगह आप देखिए, बिल्कुल इसी स्पॉट पे आपको लेपर्ड के बच्चों के फोटोज मिलेंगे, लेपर्ड खेलते हुए मिलेंगे, बिल्कुल इन्हीं जगहों पर भी। ये मांद है, ये वो जगह है जहाँ पर लेपर्ड रहते हैं और अभी तक पुरवा पे हमको लेपर्ड्स नहीं दिखाई दिए हैं। अब लेपर्ड्स यहाँ पर हैं या नहीं है वो इस गुफा के अंदर पता चलेगा, उनकी इस मांद के अंदर। अब ये मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं एक बार अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या क्या है। आप ध्यान रखिए ये जगह वो है जहाँ पर लेपर्ड्स रहते हैं। आइए। ये कदम खतरनाक था लेकिन पड़ताल के लिए जरूरी था। मांद में इस वक्त हम काफी अंदर तक आ गए हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैरों की आवाज है और दिल के धड़कने की आवाज़ है, क्योंकि ये वाकई एक बहुत डेंजरस चीज़ है कि आप इस तरह से एक बिल्कुल इनक्लोज स्पेस में, एक बंद जगह में, वो भी जो हैबिटेट है, जो केव है लेपर्ड का, उसके अंदर तेंदुए के बिल्कुल करीब आप जा रहे हैं, तो इट्स डेंजरस। ये मांद किसी तेंदुए की है, भालू की है या कोई और जानवर रहता है, हम इसी का अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन ये क्या, हमें जिस सबूत की तलाश थी वो मिल चुका था। हड्डियां आप देखिए चारों तरफ बिखरी हुई हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा एरिया है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अंदर और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मेरा जाना मुमकिन नहीं है। ये हड्डी आप ये देखिए, सर है किसी जानवर का जिसका शिकार किया गया होगा, ये सारी हड्डियाँ हैं।
और बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी हैं। इनफैक्ट बड़े जानवरों की हड्डियाँ तक यहाँ पर मौजूद हैं चारों तरफ। इसी तरह से हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। ये यहाँ भी एक मुँह है किसी जानवर का, तो पूरी शिकार जो है पूरी तरफ बिखरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेचुरली यहाँ पर लाते हैं शिकार को और शिकार को यहाँ बैठ के खाते हैं। तो ये मांद का सबसे जो आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट, जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो यही है, क्योंकि खाना यहाँ पर खाया जाता है और उसके अवशेष जो हैं वो चारों तरफ बिखरे हुए हैं। यकीनन ये मांद तेंदुए की थी, यानी पहाड़ पर वो आते हैं। हड्डियों को देखने के बाद हमें जल्द से जल्द मांद से बाहर निकलना था। एक ऐसी मांद में से गुजर के आना, एक ऐसी मांद में वक्त बिताना, वो वाकई में अपने आप में एक अजीब गरीब एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर कदम पे आपको ख़तरा महसूस होता है। आपको ये अंदाज़ा हो चुका है कि लेपर्ड वहाँ नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो किस सेकंड आ जाएगा और आपको उसके आने की आहट भी नहीं मिलेगी। तो ये एहसास आपके दिल में हमेशा बना रहता है। और मैं मतलब बाहर जब निकल कर आया हूँ तो आई कैन फील कि अब मेरे सिर पे से कितना बोझ हटा है। मांद में जानवरों की हड्डी देखकर होश ठिकाने आ गए थे। अचानक तेंदुआ सामने आ जाता तो क्या करते, हम तो सीधे उसके घर में पहुंच गए थे। फिर हमने उस जगह को तुरंत छोड़ दिया। वाइल्ड लाइफ हम नहीं जानते, वाइल्ड लाइफ को हम नहीं समझ सकते, पैंथर को हम नहीं समझ सकते। और जिस पहाड़ी पे इतनी ज़्यादा तादाद में पैंथर हो और जितना ज़्यादा फ्लूइड मूवमेंट हो के हर तरफ मौजूद हो, तो ऐसे में आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो पहले हम उनसे मिलते हैं और समझते हैं कि क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इस पहाड़ी पर जाने के लिए। क्या हमें तेंदुआ दिखेगा? दिखेगा तो कैसे साबित होगा कि वो महादेव के दर्शन करने आया है या शिकार करने? गांव के लोगों पर हमला नहीं करता तो क्या हमें भी छोड़ देगा? सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन हर जवाब चौंकाने वाला होगा। जिसे हम कहानी मान रहे थे वो सच्चाई निकली। उस पहाड़ी पर तेंदुए वाकई आते हैं, लेकिन सिर्फ आने से ही यह दावा साबित नहीं होता। क्या तेंदुए दिन में दो बार आते हैं, यानी सुबह जब धाम खुलता है और शाम को जब धाम बंद होता है? और यह कैसे साबित होगा कि वो महादेव के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर आते हैं? तेंदुओं की मांद भी तो वही है। तब गांव वालों ने कहा कि आप पूरा दिन वहां रहिए, दूर से निगाह रखिए, आपको सुबह शाम के अलावा कभी भी कोई तेंदुआ नहीं दिखाई देगा। बात तो सही थी, लेकिन इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे। हमें एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की जरूरत थी जो उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। सुबह होते ही हमारी टीम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट दिलीप के साथ उस मंदिर के लिए रवाना हो गई। तो पैरवा हम पहुंच गए हैं, मतलब वो जगह जहां पर वो मंदिर है जहां पर पैंथर रोजाना आता है। तो सर यही वो पूरा इलाका है? जी सर, यही वो इलाका है। और यहां ऊपर वो जो मंदिर दिख रहा है उस जी, तरफ वहां पर इस सीढ़ियों पर लगातार उसका मूवमेंट जो है लेपर्ड का रहता है, डेली लगभग डेली रहता है यहाँ पर। एक्सपर्ट ने हमारा काम आसान बना दिया, हमें वो सारे रास्ते बता दिए जहां से तेंदुआ पहाड़ पर आता जाता है। अब बस एक बार कोई तेंदुआ मंदिर के इलाके में दिख जाए, फिर उसका नाता इस मंदिर से है या नहीं इसका पता हमारी टीम लगा लेगी। पहाड़ी पर एक नहीं सैकड़ों मांद है, किसी में भी जंगली जानवर हो सकते हैं। पैरवा, इस पहाड़ी पे सनराइज हो चुका है, सूरज निकल गया है। ये वो वक्त है जब लेपर्ड यूजुअली अपनी मांद की तरफ जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। और यही वो वक्त है जब अमूमन लोगों ने इस पहाड़ी पर मंदिर के पास लेपर्ड्स को देखा है, मतलब सुबह के वक्त, शाम के वक्त। दो वक्त हैं, एक तो जब मंदिर बंद होने का वक्त होता है शाम, और एक अर्ली मॉर्निंग, इस वक्त सूरज निकल रहा है, इस वक्त में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे, मंदिर के पास। तो क्या वाकई लेपर्ड जाते हैं, क्या वाकई वो पैंथर्स मंदिर में जाते हैं? यही सब देखने के लिए हम आए हैं
आइए चलते हैं। जैसे ही हम ऊपर धाम पर पहुंचे, तालाब के पास पंजों के निशान मिले, मतलब कुछ देर पहले यहाँ तेंदुआ आया था। लेपर्ड यहाँ पर आया था और कुछ वक्त पहले ही आया था, कुछ घंटों पहले। वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन निशान आपको दिखा सकता हूँ। ये पग मार्क है लेपर्ड के, ये लेपर्ड के पैरों के निशान है और बनावट बिल्कुल फ्रेश है। मतलब आप उन उंगलियों को महसूस कर सकते हैं अपनी उंगली से कि यहाँ पर अभी फॉर्म हुए हैं। अगर ये कुछ वक्त पुराने होते तो ये इतने शार्प नहीं होते। आपको नेल तक नाखून का भी निशान दिख रहा है, पूरा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पग मार्क जिसे कहते हैं, पंजों का निशान, पंजों का पूरा निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो कहीं आसपास ही होगा, लेकिन पहाड़ के किस हिस्से में है ये पता करना था। दिलीप हमें दूसरे रास्ते से तेंदुए के पास ले जाने लगे। चले सर, चलिए। ये पेरवा पहाड़ी के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तभी एक लड़के ने दूसरी तरफ जाने का इशारा किया। अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर जाना था। लेपर्ड पाथ है ये पूरा एरिया जहां पे इस वक्त हम जा रहे हैं, और बीच में कहीं पे भी लेपर्ड हमको दिख सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ी है ये आप देखिए। सर मुझे हल्का सा कुछ मूवमेंट हो रहा है, शायद मुझे वापस एक बार रिवर्स लेनी पड़ेगी। ठीक है अगर आप कहें तो मैं लीजिए, प्लीज लीजिए, कोशिश करता हूँ उसको वापस। तो वहाँ पर हल्का सा मूवमेंट दिखाई दिया है लेपर्ड का, तो वापस रिवर्स करके देख रहे हैं गाड़ी को कि वहाँ पर अगर कुछ दिखाई दे जाए हमको। तो ये जो पूरा कैमोफ्लेज है, एक्सपर्ट होता है, बहुत कनिंग एनिमल होता है लेपर्ड, और हम जहाँ से सोचना खत्म करते हैं वहाँ से वो शुरू करता है। तो आप उसको नहीं देख पाते, लेकिन उसकी नज़र आप पर रहती है, वो आपको देख रहा होता है। तो वही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि हो सकता है इसी पाथ में, क्योंकि वो घूमता है, शिकार कर कर आया है, तो हो सकता है उसकी नज़रें हम पर हों। हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नज़रें कॉन्स्टेंटली हम पर होंगी। तेंदुआ दूसरी पहाड़ी पर निकल गया था। कुछ देर के बाद हमारी जीप एक पहाड़ के सामने रुक गई। देखिए वहां पहाड़ी पर तेंदुआ मौजूद है। हमारे पास उतना जूम इन लेंस नहीं है जो हम दिखा सके, लेकिन ये टेलीफोटो लेंस है, और ये देखिए यहाँ पर आपको तेंदुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लिक किया है मैंने अभी के अभी। ये तेंदुआ वहाँ पहाड़ी पे ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल एक छोटे सी गुफा के पास। ये तेंदुआ यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल आराम से रेस्ट कर रहा है। तेंदुआ इस समय मंदिर के पास वाली पहाड़ी पर चहलकदमी कर रहा था। तेंदुआ अब चलने लगा है ये पहाड़ी पे, जो उस वक्त कहा था कि शाम के वक्त, सनसेट के वक्त, सनराइज सनसेट दो वक्त जब मंदिर के पास तेंदुआ आता है, और इस वक्त तेंदुआ मंदिर के पास मौजूद है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरह से वहाँ पर देखिए, लेकिन ये अपने आप में अनबिलीवेबल है कि मंदिर में जिस तरह से कहा जाता है सुबह और शाम तेंदुआ आता है, तेंदुआ इस वक्त वहाँ मौजूद है। तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। हमने पीछा करने का सोचा, लेकिन दिलीप के मुताबिक उसे पकड़ना अब मुश्किल था। दिन के वक्त तेंदुए छिपे रहते हैं, लिहाजा अब शाम होने का इंतजार था। मंदिर में जो, ऐसा मैंने आपसे कहा कि इस मंदिर में दो टाइम है जहां पर लोगों ने देखा ही देखा, एक सुबह के वक्त आरती के वक्त, एक शाम के वक्त। आरती ऐसे यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग नहीं आते हैं तो बहुत थोड़ी और लिमिटेड होती है, बट स्टिल यही दो टाइम है। तो एक टाइम हमने कोशिश कर ली, अभी हमारा सेकेंड अटेम्प्ट होगा। शाम में एक बार जाएंगे, दोबारा देखेंगे और फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के आसपास लेपर्ड हमको कहां पर मिलता है। हमारी टीम को तेंदुए शिवधाम के इलाके में दो बार दिखे, और वक्त भी सुबह का था। तो क्या दावे के मुताबिक शाम को भी जानवर दिखेंगे? दिलीप ने कहा जरूर मिलेंगे, क्योंकि तेंदुए और गांव के लोग आस्था की डोर से बंधे हैं। यहां पर अभी तक जो लोगों में एक भाव है वो है, वो ये मान के चलते हैं कि जो लेपर्ड है वो देवी का वाहक है और देवी का वाहन है, और अगर उसने मान लीजिए एक आधी बकरी को मार दिया, एक आधी भेड़ को मार दिया, तो वो ये मानते हैं कि देवी माता ने भोग लिया है,
और वो उसको मान करके अपने मन में प्रसन्नता रखते हैं, किसी प्रकार का विद्वेष या उसके प्रति विरोधाभास नहीं रखते। इस वजह से अभी तक ये कोएग्जिस्टेंस अभी तक बना हुआ है। लोगों की मान्यता और आस्था जुड़ी हुई है माता के प्रति, ईश्वर के प्रति, उनको वाहन के रूप में इसको मान रहे, इसलिए वो अभी तक जो है इसके प्रति नेगेटिव नहीं है, अभी तक उनके विचार पॉजिटिव है। एक बार फिर उसी मर्यादा की बात सामने आई जिसके तार पेरवा पहाड़ी के उस शिवधाम से जुड़ते हैं। आपको बहुत सारी जगह ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट की बातें दिखाई देगी, ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी आदमी ने अपनी मर्यादा ही नहीं लांगी और न ही इस जानवर ने कभी अपनी मर्यादा लांगी है। शाम होते ही हम धाम की तरफ निकल पड़े। हमारी नजर पेरवा पहाड़ी पर ही थी तभी दिलीप को तेंदुए की लोकेशन की जानकारी मिली। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से साइट कर सके, वो जो लेपर्ड किल करके अभी गया है उसकी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दूसरी तरफ है पहाड़ी के। तो पैदल अगर पहाड़ी क्रॉस करके जाते तो बहुत वक्त लगता, गाड़ी से जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेज से, बेहद खतरनाक रास्ते हैं, एक एक सेकंड में आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, एक एक सेकंड बाद आपको वो करना पड़ता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंच सके। रास्ता आड़ा तिरछा था लेकिन हमारी निगाह मंदिर के इलाके में तेंदुओं को खोज रही थी जिन्हें लोग उस मंदिर का रक्षक मानते हैं। कुछ देर पहाड़ों में भटकना पड़ा, तेंदुए को खोजने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, फिर नतीजा हमारे सामने था। वो सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल सामने, वहां पर बिल्कुल सामने बैठा हुआ है तेंदुआ लेपर्ड। वो लेपर्ड जो इस पहाड़ पे इस मंदिर में हर रोज आता है। हम सुबह से वेट कर रहे थे लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे, हमसे कहा गया कि आपकी प्रेजेंस की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है, और हम जैसे ही नीचे आए हैं वो सामने वहाँ पर बिल्कुल सामने मौजूद है, अपने स्पॉट पे, अपनी जगह पे। पत्थर पर एक तेंदुआ आराम फरमा रहा था ठीक उसी शिवधाम के पीछे, शाम के वक्त, यानी तस्वीर बिल्कुल दावे के मुताबिक। इतने सुकून से बैठा हुआ है जैसे वो हमको दिखाना चाहता हो कि देखो मैं यहाँ पर पूरे वक्त मौजूद था, तुम घूमते रहे, तुम इधर उधर जाते रहे, तुमने कोशिश करते रहे तुम तलाशने की, और मैं पूरे वक्त यहीं पर था, पूरे वक्त मैं यहीं पर मौजूद था, और उस सामने बैठ के बाकायदा एक पूरा डिस्प्ले कर रहा है। आप देखिए कितने सुकून से, कितने इत्मीनान से बैठा हुआ है। अब ये मंदिर से आ रहा है या इस जगह पर इसकी मांद है क्या पता, लेकिन फिलहाल ये धाम के करीब ही था। सामने बैठा हुआ है, ये फुल ग्रोन मेल है, फुल ग्रोन मेल जो सुबह यहाँ इस केव के अंदर घुसा था, उसको सुबह यहाँ हमारे रेकर ने देखा था, और अभी जब हम लोग यहाँ आए तब दो तीन गाड़ियाँ उधर खड़ी थी, तो इस वजह से लेट निकला। जब आपने देखा एकदम से निकला तो ये नीचे की तरफ से जो केव है वहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया और वो बिल्कुल अपने सामने जा करके बैठ गया। ये फुल ग्रोन मेल है सर, और वो अब उसके शाम का टाइम होता है बाहर निकलने का, अब शिकार के लिए जाने का। वही सनराइज और सनसेट की जो बात हो रही थी कि जब मंदिर में आरती का वक्त होता है तो लेपर्ड पहुँच जाता है, तो यही सिलसिला चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, और ये बिल्कुल बहुत नज़दीक नीचे की तरफ बैठा हुआ है। अब इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, ये एक बार ऊपर इसलिए गया है नीचे से, वो अपने इस एरिया को टो कर रहा है किस तरफ मुझे निकलना है, और जैसे उसको लगेगा हल्का सा अंधेरा होगा तब ये यहाँ से मूव कर जाएगा। अच्छा, ये अपना रास्ता अभी चुनने की कोशिश कर रहा है। तो वो लेपर्ड देखिए अब मूव करना शुरू कर चुका है, इसका मतलब अब उसने अपना रास्ता चुन लिया है, और वो जा रहा है, किस तरफ जा रहा है वो अपना तलाश रहा है। लेकिन ये अपने आप में एक इतनी कमाल की चीज़ है कि किस तरह से, कैसे मुमकिन है कि एक पहाड़ी और एक मंदिर और वहाँ पर रोज़ाना लेपर्ड्स पूरी पूरी फैमिलीज जो सनराइज और सनसेट उसी मंदिर में पहुँचती हैं, क्यों पता नहीं। अंधेरा होते ही वो तेंदुआ पत्थरों में कहीं गुम हो गया और हमारी टीम भी कैंप में लौट गई, लेकिन कुछ सवालों के साथ।
दो दिन की पड़ताल में हमारी टीम को वो सब कुछ दिखा जैसा दावा किया गया था। पहाड़ी पर एक शिवधाम था, वहां तेंदुए भी आते थे और सुबह शाम दोनों वक्त आते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि चमत्कार का दावा सच है? तेंदुए उस मंदिर के रक्षक हैं जो महादेव के दर्शन करने दोनों वक्त आते हैं। शायद अभी किसी नतीजे पर पहुंचने का वक्त नहीं आया था। उस धाम में तेंदुए आते तो हैं, लेकिन ये दर्शन करने के लिए ही आते हैं, ये कैसे मान लिया जाए? हो सकता है ये उनकी सामान्य प्रक्रिया हो। अब इस कहानी को नतीजे पर लाने का वक्त आ चुका था। कब, क्यों, कैसे, कहां, सवालों की एक लंबी फहरिस्त। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। जवाई में हर तरफ पत्थर हैं, हरियाली नाम मात्र की है, फिर ऐसे इलाके में तेंदुए आए कहां से? इस सवाल का जवाब छिपा है अरावली पर्वत श्रृंखला में, जो जवाई से चंद मिनट की दूरी पर है। अरावली रेंज में तेंदुओं की भरमार है। माना जाता है कि जवाई में तेंदुए वहीं से आए होंगे। यहां पर भी नेचुरल केव्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो मतलब खूब गहरे गहरे केव्स हैं जो एक तरफ से खुल के पूरा पहाड़ के ऊपर निकलते हैं। तो लेपर्ड के लिए वो बहुत मतलब एक अट्रैक्टिव चीज है, जिसकी वजह से लेपर्ड यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम मतलब ऐसे देखें तो अरावली से यहाँ आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बिकॉज लेपर्ड यहाँ मूव करा है और आगे फ्लरिश भी कर रहा है अच्छे से, हर साल उसका जो काउंट है वो बढ़ रहा है, दिस शोज कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोएग्जिस्टेंस है। जानवरों की सबसे पहली जरूरत होती है पानी, और जवाई में तेंदुओं को पानी मिलता है पेरवा पहाड़ के ऊपर बने शिव मंदिर के पास, जहां तालाब है। नीचे कहीं पानी मिले या न मिले, जानवरों को यह पता रहता है कि इस तालाब में पानी का मिलना तय है। दो दिन की कवायद में आखिरकार हमने लेपर्ड को देख ही लिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस मंदिर में लेपर्ड आने की क्या वजह है। कई सारी वजूहात हैं जो मेरे सामने हैं, उनमें से एक ये है, पानी, वाटर टैंक। देखिए, जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है, आसानी से खाना अवेलेबल होता है, वहाँ पर कोई भी जानवर आता ही, और लेपर्ड जैसा चालाक जानवर तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर उसे पानी आसानी से मिल सकता है। तो पैरवा की इस पहाड़ी के ऊपर पानी का एक सोर्स मौजूद है, पानी का एक सोत्र हमेशा हमेशा मौजूद रहता है, और इस वजह से पैरवा की इस पहाड़ी पर लेपर्ड का आना कोई कमाल बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी नेचुरल चीज है। पीने के लिए पानी मिल गया, खाने के लिए इलाके के छोटे पालतू जानवर हो गए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जवाई में कोई तेंदुआ किसी इंसान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी क्या वजह हो सकती है? लेपर्ड चूंकि ये आदमी के आसपास के हैबिटेट में रहने जब आ गया है, तो उसने अपना एक हैबिटेट डेवलप कर लिया। यहाँ सेपर्ड्स या रेबारीज हैं जिनकी अपनी भेड़ बकरियाँ हैं, उनके पास कोई नेचुरल प्रे नहीं है। उनके पास नेचुरल प्रे के नाम पर या तो थोड़े बहुत बंदर हैं या फिर कोई मोर है। वो डिपेंडेंट है आपके भेड़ बकरी पे, या गांव के अंदर जो कुत्ते हैं या छोटी गाय के बछड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को उसमें अनुकूल अपने कर लिया है कि ये जो आदमी है इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, तो हमें इनसे दूर रहना है। तो वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघ रहा है, वो उसका अपना फूड, उसका प्रेम मिल गया और वो अपना काम कर रहा है। ये मामला पूरी तरह से जीवन के संघर्ष और उसके चक्र के साथ जुड़ा है। तेंदुए अपनी जरूरत के हिसाब से मूवमेंट करते हैं। इत्तेफाक से उन जगहों का जुड़ाव महादेव के धाम से है, लिहाजा लोगों ने इसे अपनी आस्था की नजर से समझ लिया। मंदिर से जुड़ी आस्था पर कोई सवाल नहीं है, वो तो एक हकीकत है। शिवधाम में तेंदुओं के आने की बात भी सही है, लेकिन आने की वजह वहां की गुफाएं हैं और तालाब का पानी है।